एक बार एक मंत्री सभा में सभी लोगों से एक सवाल पूछता है। किसी नगर में एक गरीब आदमी रहता था जिसके पास सिर्फ एक हथिनी थी। वह उस हथिनी को पूरे नगर में घुमाता फिराता रहता था और नगरवासी भी उस हथिनी को कुछ ना तो कुछ खाने को देते रहते थे। उनका कोई ठिकाना नहीं था। जहाँ रात होती वहाँ डेरा जमा लेते थे। एक समय आया जब वह हथिनी बच्चे को जन्म देने वाली थी। एक दिन हमेशा की तरह उन्होंने एक जगह जब डेरा जमा लिया तब उस दिन रात को भारी बरसात हुई। सुबह जब हुई तब हथिनी गायब थी। वह आदमी परेशान हो गया। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। फिर उसने देखा कि उसकी हथनी सीमा पार करके पड़ोसी राज्य में पहुंच गई है और उसने एक बच्चे को जन्म भी दे दिया है। जब वह आदमी उस हथनी और बच्चे को लेने जाता है तब वहां के लोग उस बच्चे पर अपना हक जमाने लगते हैं और कहते हैं, तुम भले ही इस हथनी को ले जाओ लेकिन यह बच्चा हमारे राज्य में पैदा हुआ है, इसलिए यह हमारा होगा। उस आदमी के राज्य के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। वे भी यही कहते हैं कि यह बच्चा हमारे राज्य में ही रहेगा। तो बताइए आप लोग, वह बच्चा किसका होगा? जिस आदमी ने उस हथनी को पाला है वह बच्चा भी उस आदमी का होगा, लेकिन हथनी का बच्चा उस राज्य में पैदा हुआ, इसलिए राज्य के लोगों का ज्यादा हक होगा। बीरबल, अब तुम बताओ, उस हथनी के बच्चे पर हक सबसे ज्यादा किसका होगा? हुजूर, वह बच्चा ना उस आदमी का होगा और ना ही पड़ोसी राज्य का। किसी भी बच्चे पर हक सबसे पहले उसकी माँ का होता है, इसलिए सबसे ज्यादा हक केवल हथनी का होगा और हथनी उस बच्चे को लेकर उस आदमी के साथ चली जाएगी।